गुजराती के फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज के माध्यम से मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। दोस्तों, कहानी किसे पसंद नहीं है, फिर रामायण हो, महाभारत हो, अलीफ लैला हो या अलादीन, कहानियाँ सबको पसंद है। और इसीलिए शायद इस लॉकडाउन के वक्त में जो कहानियों के सीरियल्स हैं वो लोगों को पसंद आते हैं। तो ऐसे ही एक कहानी है अलीफ लैला की। दंगल टीवी पे जो शो आता है अलीफ लैला, उसमें अलीफ लैला का किरदार निभाने वाले एक्ट्रेस शाइनी दोषी और अंकित अरोरा हमसे आज बात करने वाले हैं। तो जो भी आपको सवाल उनसे पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। तो शाइनी यहाँ पे मौजूद है, अंकित थोड़ी देर में हमें ज्वाइन हो जाएंगे, तो शाइनी से तब तक बात करते हैं। हेलो शाइनी। हाय, कैसे हैं आप सब? हाय मैं ठीक सोनाली, हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। राइट। और किस तरह से चल रहा है ये लॉकडाउन आपका? इनिशियली पहला मंथ तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे किया जाए। आदत नहीं थी इतनी ज्यादा घर पर बैठने की, बैक टू बैक वर्क करते थे हम लोग, तो एकदम से जब इतना बड़ा ब्रेक आ गया तो हम सभी को ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड, कैसे डील करे, क्या करे क्या ना करे, कैसे टाइम किल करे। यू कान गो मीट आउटसाइड एनीवन, आप किसी से ज्यादा मिल नहीं सकते हो, ना अपने दोस्तों से मिल सकते हो। तो फिर फाइनली कुछ कुछ चीजें थी जो मेरी हमेशा से लिस्ट में रही हैं और मुझे लगता था कि ये मुझे करना चाहिए जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा। तो वो थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मैंने स्टार्ट कर दी है करना। मैं बहुत ही ज्यादा लेजी हूँ, जब वर्कआउट की बारी आती है तो मैंने वर्कआउट करना खुद से शुरू किया है। सो हाँ, थोड़ी बहुत चीजें हैं जैसे कुकिंग है, घर में क्लीनिंग है, या चीजें ऑर्गेनाइज करना है, कभी कुछ खुद से हेयर कट भी कर लिया मैंने। राइट। सारी अंकित भी आए हैं तो उनको ऐड करते हैं। ओके, ठीक, ओके, हाय अंकित, वी आर लाइव। हेलो हेलो। हेलो हाय हेलो हेलो, अंकित। यस, तो कैसे हैं आपका आप? स्वागत है। आप पहले हमने से? शुरू किया था शाइनी के साथ बातें, तब तक हाँ तो हाँ आप जी। कंटिन्यू कीजिए। शाइनी क्या बोल रही थी आप? आपने सो बस ये सीखा थोड़ी है बहुत और... चीजें हैं जो मैंने करना शुरू कर दिया है। पहले तो हाय अंकित, आ गई हूँ, बाल बढ़ गए तुम्हारे। देखो, मुझे रेस लगा रहा हूँ तुमसे, मैं कंपटीशन कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ जिस हिसाब से मत लॉकडाउन चल रहा है, काफी पहुंच जाऊंगा यहाँ तक। पूछिए। हाँ, ये थोड़ी बहुत चीजें मैंने करना शुरू की है, खुद की हेयर कट भी कर दी, कुकिंग कर लेती हूँ और बहुत सारे शोज देखती रहती हूँ नेटफ्लिक्स पे, वर्कआउट कर रही हूँ। राइट। व्हाट अबाउट यू अंकित, किस तरह से चल रहा है आपका लॉकडाउन, क्या क्या कर रहे हो आप? मैं झाड़ू लगाता हूँ, पोछा लगाता हूँ, बर्तन साफ करता हूँ और वर्कआउट कर लेता हूँ कभी कभी, एंड गाने गाता हूँ, गाने सुनता हूँ, कुछ इंटरव्यूज देखता हूँ और कुछ पुरानी मूवीज देखता हूँ, और लॉकडाउन खुलने का इंतजार करता हूँ, जो थोड़ी बहुत एक्शन भूल गया उसके रिहर्सल करता रहता हूँ। तो यार, जैसे कि आपने बोला कि आप पुरानी फिल्में देख रहे हो और आपने बोला कि नेटफ्लिक्स में काफी शोज देख रहे हो, तो कौन से शोज या आपने कौन सी फिल्में देखी है या शोज मैंने देखे, आप रिसेंटली शेयर करना पाताल चाहेंगे? लोक देखा, मैंने रिसेंटली पाताल लोक देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक बहुत अच्छा शो बनाया है और सारे एक्टर्स भी बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है उसमें। फिर मैंने नेटफ्लिक्स पे बाकी दूसरे सारे सीरीज भी देखी है। आई जस्ट फिनिश्ड 4 सीजन ऑफ द लास्ट किंगडम। आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रिलियंट शो। फैंटेसी शोज वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, तो देख लिया 4 सीजन। अंकित, तुम क्या व्हाट देख रहे अबाउट हो? मैंने बच्चन साहब की मूवीज देखी, मैंने नटवर लाल देखी, मैंने शक्ति देखी, मैंने आनंद देखी, फिर मैंने आंखों देखी देखी संजय मिश्रा जी की, एंड और भी मूवीज देखता रहा। कल हीना देखी। नेटफ्लिक्स चालू किया कि नहीं? नेटफ्लिक्स में पीछे पड़ गई थी तुम्हारे बोल बोल के। हाँ, बस अब देखो लॉकडाउन तो बढ़ने ही वाला है, फिर वहां शुरू हो जाऊंगा मैं। और बहुत टाइम है मेरे पास, पूरा नेटफ्लिक्स देख लूंगा पूरा और तो नहीं पुराने गाने होगा। सुने। हाँ, हाँ, तुम और ले तुम्हारे नहीं, सोनू कोरोना गाइस, जब तक है, या बस वही करता गाइस शूटिंग रहता को हूँ। कितना मिस कर रहे हो, शूटिंग को कितना मिस कर रहे हो आप? बहुत ज्यादा
मतलब एक तो शूटिंग स्टार्ट होगी तो चेक भी आ जाएगा, कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं इंतजार तो डबल इंतजार है। एक्टर्स ऐसे होते हैं कि हमको हमेशा लगता है कि यार थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए, थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए जब काम कर रहे होते हैं, और फिर जब ब्रेक मिलता है तब ऐसा लगता है कि यार ये ब्रेक क्यों मिल गया है, हम क्यों घर पर बैठे हैं। तो अभी फिलहाल घर पर बैठ के एक्चुअली काम को मिस कर रहे हैं। अब लग रहा है कि बस यार खत्म हो जाए, ये कोरोना जाए और काम शुरू हो, हम वापस से अपनी जिंदगी रूटीन शुरू कर पाए। ओके, वैष्णवी फैन है एक जो जुड़ी है हमसे, उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर अली फैला का शूटिंग फिर से शुरू होता है तो सोशल डिस्टेंस के साथ किस तरह से शूटिंग होगा, क्या लगता है आपको? हम कैसे काम पहले करेंगे, तो हम किस मास्क उनसे लगाएंगे? पहले तो उनको बोलो अगर नहीं प्रे करो हो ही जाए। अगर शूटिंग स्टार्ट अलिफ लाला की, हमें बहुत डर लगता है अगर से, तो शूटिंग तो ऑफकोर्स स्टार्ट होगी। और यस, अब जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है, अब थोड़ा सा हमें खुद भी चीजों ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ना केवल अपने ऊपर बल्कि हमारे आसपास जो लोग होंगे उनके ऊपर भी। और जो एक्टर की एक हमारा जो प्रोफेशन है खासकर एक्टर्स का, उसमें फाइट भी करना पड़ता है, हग भी करना पड़ता है, डायलॉग्स जो होते हैं बहुत करीब रहकर ही बात करते हैं। तो उस पर तो देखिए, मैं जितना हमें लगता है, एक बार हम जब सेट पे पहुंचेंगे, हम कैसे सीन को एग्जीक्यूट किया जाएगा उस पर बहुत डिपेंड करता है। बाकी तो यह सब जिम्मेदारी तो बहुत बढ़ गई है, सेट के माहौल पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और जैसे मैंने बोला कि अपने साथ साथ दूसरों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो भी उस चीज का उतने ही अच्छे तरीके से पालन करे, उस चीज को देखे। और अब ये मुझे लगता सबके है साथ हमारी है। स्क्रिप्ट भी मास्क मास्क के साथ लिखकर आएगी, हमारी स्क्रिप्ट हाँ भी अली फैला में रोमांस विद मास्क, विद मास्क, रोमांस विद हाँ। मास्क ऑन। लड़कियों इस लड़कियों का तो फिर भी दौरान चल जाता है ना, वो लगा देती हैं आगे, हाँ राइट, हाँ, मुझे तो लड़की वैसे ही रहता है, आगे से ज्यादा टाइम नकाम रहता है मुंह पे। नकाब ही रहता है। मैं इस बार बोल ही दूंगा डायलॉग, अरे सहर तुमने मुझे बताया नहीं कोरोना आ चुका शहर है। के ही चलो मैं तुम्हें कोरोना की एक दुनिया में ले चलती उसका भी बनाएंगे एपिसोड, हूँ। इससे पहले अभी कल कल का फिल्म हमारा एक में शो शुरू हुआ है, जी अंकित जी रामायण शुरू हुआ है, तो लोग आप फिर भी टीवी में देख रहे हैं क्योंकि आपका और एक शो शुरू हुआ है, रामायण जो आपने शुरू किया था वो शायद दंगल में शुरू हुआ है फिर से, तो आप एक अलग रूप में भी लोगों से मिल रहे हैं, तो उसका कुछ रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं फैन से? अरे बहुत, मतलब मैं कल बात ही कर रहा था इस बारे में किसी से, और मैं बता रहा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये 12 साल बाद दोबारा कभी इस तरीके से भी आएगा, और लोग उसको उससे भी ज्यादा प्यार देंगे। और आप यकीन मानिए, इतना मुझे इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, इतना लोगों को पसंद आ रहा है। लोगों को पसंद तो आ ही रहा है, खासकर मैं खुद पर्सनली इसको बहुत पसंद कर रहा हूँ। क्या होता है कि जब हम आज से 12 साल पहले शूट कर रहे थे, आपने शूट किया उसको, नेक्स्ट डे आप देख रहे हो, तो आपके देखने का तरीका अलग होता है। आप देखकर अच्छा मैंने ऐसे शूट किया था, ये सीन ऐसा था, लेकिन जब 12 साल बाद आप एज एन ऑडियंस देखते हो तो एक थोड़ा सा एक अलग माइंड आपके चल रहा होता है, और आप और गहराई से उस चीज को देखते हो। तो मेरा भी देखने का नजरिया, और मैं कितना ही कैसा काम किया मैंने, और वो मैं देखता हूँ मैंने कहा कहा कोशिश गूगल के करता डायलॉग भूल कहाँ कहाँ मैंने कौन से कांड किए। तो लेकिन या लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और दंगल चैनल का जितना मैं शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, कि मतलब आई एम ब्लेस्ड कि मेरे दो दो शो आ रहे हैं एक ही चैनल पे, और शाइनी जो चिढ़ रही है मैं समझ सकता हूँ, बट होता है नहीं नहीं मेरे भी बहुत सारे शो ऑन एयर है, देखा डोंट मेरी एक चैनल पे दो दो वरी। ये कह रहा हूँ। अच्छा एक चैनल पे दो दो, अच्छा ठीक हाँ है, चलो चलो गाइस। जल्दी सबको पावर अंकित, ट्रू, अंकित आपने कॉस्ट्यूम ड्रामा किया हुआ है, तो शाइनी आप ये कॉस्ट्यूम ड्रामा कितना एंजॉय कर रही है? मैंने एक्चुअली माइथु शो एक किया हुआ है इससे पहले, बट फैंटेसी शो फर्स्ट है मेरा, और ट्रू मेरे लिए सबसे ज्यादा
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज इस शो से रिलेटेड ये थी कि इस शो में मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग किरदार पे प्ले करने का मौका मिलता है। मुझे अच्छा लगता है कि जब जनरली क्या होता है डेली सोप्स में आप एक ही कैरेक्टर प्ले करके बहुत ही ज्यादा मोनोटोनस हो जाते हो, तो इस शो से मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जब हर नई कहानी में हम एंटर होंगे तब हर नई कहानी में एक नया किरदार प्ले करने को मौका मिलेगा। तो जब स्क्रिप्ट आती है, जैसे हमारे पास स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले आता है, मेरे को और अंकित को ईमेल कर दिया जाता है और हम दोनों ही वो पढ़ते हैं एंड देन यू नो वी स्टार्ट प्लानिंग थिंग्स कि अच्छा ये कैरेक्टर हम कैसे प्ले करेंगे, इसको अलग करना है, इसको ऐसे करना है, हमारे कपड़े, हमारा मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम, सारी टीम लग जाती है। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट रियली एक्साइटेड मी टू यू नो टेक अप दिस शो। एंड फैंटेसी शोज हैव ऑलवेज बीन माय फेवरेट, मुझे हमेशा से बहुत मजा आती थी फैंटेसी ड्रामा देखने की, बिकॉज हमेशा वहां पर लार्जर देन लाइफ दिखाई जाती है, तो यू नो समटाइम्स इट्स रियली नाइस। और बचपन में हमने अलिफ लैला देखा तो ये आजकल की जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है कि इवन दे कैन वॉच अलिफ लैला एंड सी द स्टोरीज। एंड अंकित, हाउ मच यू एंजॉय, यू नो आपने अलग अलग किरदार निभाए कॉस्ट्यूम ड्रामास की अगर बात करें तो ये जो किरदार है वो कितना एंजॉय करते हो आप? मैंने बहुत सारे कॉस्ट्यूम, मेरे शुरुआत ही उससे हुई थी राइट और उसके बाद एक जब आपकी आपकी स्कूलिंग ऐसी हो, आप स्टार्ट ऐसे करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने में मिलता है आपको स्टार्टिंग में, उसको कैरी करना, फिर उसको संभाल, और खासकर आप उस लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में इतना होता नहीं, आप उतना शुद्ध हिंदी या शुद्ध उर्दू में उतना जाते नहीं, तो वो एक अलग चैलेंज होता है। तो मेरी स्कूलिंग वैसी हुई, मेरी स्टार्टिंग वैसी हुई, तो मेरे को एक वो एक्सपीरियंस लेके मैं इस शो में आया। इससे पहले मैं रजिया सुल्तान किया, अशोका किया, चंद्रकांता किया, तो वो सब भी आप अपना एक्सपीरियंस लेके आगे चलते हैं। इस शो में खास ये है कि मैं पिछले बैक टू बैक काफी शोज में जो था मैं थोड़ा सा नेगेटिव किरदार प्ले कर रहा था, तो इसमें मुझे एक एक लीड करने को मिला, और लीड भी ऐसा नहीं जो बिल्कुल अलग, जैसा शाइनी ने बोला कि हर इस एक कहानी में आप एक नए किरदार के साथ जाते हो, तो आप हर चौथे या पांचवें दिन एक नई जिंदगी जीते हो, एक नया किरदार जीते हो। तो इससे अच्छी बात मुझे लगता नहीं कि शाइनी और मेरे लिए होगी एज एन एक्टर टीवी में, खासकर आपको इतने किरदार एक साथ करने को मिले, तो आप कितनी सारी जिंदगी जीते हो, कितने सारे किरदार को अपनी जिंदगी में लेकर आते हो, उतारते हो, तो ये तो एक एक मतलब कुछ ब्लेसिंग थी ऊपर से हमारे ऊपर जो हमें करने में मिली। और ऑफ कोर्स यार, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, और शाइनी के साथ काम करने मजा आता है, टीम अच्छी हमारी पूरी, डायरेक्टर और क्रिएटिव टीम, इतना मजा आता है कि मतलब घर जाने का दिल भी नहीं करता। सब कहते हैं अंकित जाओ भाई जाओ जाओ, मैं कहता नहीं अभी और 1 घंटा मजाक कर हाँ रहा हूँ, सबसे पहले मैं ही कहता हूँ इसीलिए मुझे घर जाया करो। ओके, रेडी होने में सेट पे कौन सबसे ज्यादा टाइम लगाता है? ऑफ कोर्स शाइनी। या डिपेंड करता है ये तो मतलब कैरेक्टर से, प्लीज अंकित डोंट ब्लेम मी फॉर दिस, ओके ये डिपेंड करता है। अब कैरेक्टर्स जैसे जैसे आएंगे, जैसे हमारी जो ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी थी अब्दुल्ला और सफीना वाली, उसमें सबसे ज्यादा टाइम इसको लगता था तैयार होने में। मैं 5 मिनट में सेट पे होती थी बिकॉज कोई मेकअप नहीं था, कोई बाल नहीं बनाने थे, कुछ नहीं करना था, बस कपड़े डालो निकलो, तो उसमें अंकित को ज्यादा टाइम लगता था, बट अदरवाइज इन जनरल ऑब्वियसली लड़कियों को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। एक सवाल कि अभी फिलहाल जो है किस तरह से ध्यान रख रहे हैं, कोरोना के इसमें अगर बाहर जा रहे हैं तो किस प्रकार से, और बाहर से कुछ चीजें अगर ला रहे हैं तो किस तरह से ध्यान रख रहे हैं आप? किसके लिए था ये क्वेश्चन? सॉरी, दोनों के लिए, दोनों के लिए। अंकित, व्हाई डोंट यू आंसर फर्स्ट? कुछ आई थिंक जो रूल्स बना रखे हैं गवर्नमेंट, कोशिश करते हैं उसको पूरा फॉलो करें। ऐसा कोई काम तो खास होता नहीं है कि हमें बाहर जाने की जरूरत पड़े। मुझे थोड़ा जाना होता है तो मैं रनिंग वनिंग करता हूँ या कुछ, तो अपनी बिल्डिंग में ही नीचे ही कर लेता हूँ, और कुछ मंगाना हो बाहर से तो बहुत अवॉइड ही करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बाहर से कुछ ज्यादा मंगवाया ना जाए, खुद ही बना के खुद ही खा लो, तो उससे टाइम पास भी हो जाता है और हेल्दी खाना भी हो जाता है। तो कोशिश करता हूँ जितने रूल्स निकले हैं उसको उसको फॉलो किया जाए, कि कर सकूं मैं। या सेम विद मी बिल्कुल आल्सो, अगर मैं ग्रॉसरी के लिए बाहर नीचे उतरती भी हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं ग्लव्स और मास्क पहनकर जाऊँ, वापस आकर भी सैनिटाइज एवरीथिंग, और
जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसे मैं थोड़ा सा गर्म पानी में वॉश कर कर ही बाहर निकालती हूँ, एंड देन आई मेक श्योर कि मैं बाहर से आई हूँ तो मैं सीधा शाल ले लूँ, सो दैट आई डोंट स्प्रेड एनीथिंग इवन इफ इट्स देयर। सो यार छोटे छोटे से प्रिकॉशंस है जो लेने हैं बेसिकली। ज्यादा बाहर मैं जाती नहीं हूँ, जब तक ग्रोसरी या कुछ मेडिकल स्टोर में जाना हो कुछ शॉपिंग के लिए तभी मैं स्टेप आउट करती हूँ, अदरवाइज आई हैव बीन ओनली होम। हमने देखा है कि इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने खाने में के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो आपने दोनों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया है क्या, और क्या कुछ मतलब बनाया है और कौन से एक्सपेरिमेंट्स सक्सेसफुल हुए हैं? यार देख, बेकिंग वगैरह सभी कर रहे हैं तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि यार मैं क्या फोटोज लूँ, क्योंकि वो फोटो लेने के लिए बचता ही नहीं। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की है लॉकडाउन में। मैं खाना अच्छा ही बनाती थी पहले से ही, बट मेरा इंडियन फूड ज्यादा बेटर बनता है। सो दिस टाइम आई हैव बीन ट्राइंग अ लॉट ऑफ मेक्सिकन फूड, और मे बी आई हैव मेड लॉट ऑफ आई हैव डन आई हैव मेड टाकोस, मोमोज, एंड देन आई हैव ट्राइड ऑल फैंसी थिंग्स। हमने एक दिन ब्राउनी बनाई थी, हमने एक दिन बनाना ब्रेड बना लिया। सो कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें हम ट्राई कर ही रहे हैं। पिज्जा हो गया कभी, अगर मूड में आया तो कभी कुछ सादी खिचड़ी बन जाती है घर पर। तो दिस इज हाउ वी बीन डूइंग इट। ऐसा कंपल्शन नहीं है कि मुझे ये ट्राई करना ही है, बट काफी सारी चीजें थी जो मुझे लगता था कि पता नहीं है मैं कभी बना पाऊंगी या नहीं, बट मे बी द वे चीजें भी काफी इजिली अवेलेबल है। मतलब आई जस्ट हैव टू कॉल एंड ऑर्डर थिंग्स और घर पे आ जाती है, तो मेरे लिए बनाना भी आसान होता है। बिकॉज जितनी फैंसी चीज आप बनाते हो उतनी फैंसी चीजें भी चाहिए होती है उसके साथ। सो सारी चीजें इजीली अवेलेबल भी है। तो यार थोड़ा बहुत कुकिंग, नॉट मच। अंकित तुम खाना बना रहे हो अभी? नहीं, आप सही रहा, मतलब आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चला कि इतनी चीजें बना रही है, तो अब इसको सीख गई होगी। तो अब साइट पे मंगाएंगे, इससे बनवा बनवा के खाएंगे, पिज्जा विज़ा खाएंगे, मोमोज खाएंगे, स्नैक्स हमारे पास। तो गुड यार, तैयार होगी लड़की अभी। और अगर आप सेट पे आप जब सेट अगर नहीं आप जब सेट पे जाओगे तब भी ये कुछ तो ला ही सकती है खुद बना के। अरे एक्सक्यूज मी, मैं सेट पर खाना लेकर जाऊंगी ना? ये डाइट पे होगा ये? क्या, मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, इसको मेरे को देनी नहीं पड़ेगी प्रोटीन बार, सारा हेल्दी क्या कहते हैं वो कहाँ से आता है, नहीं नहीं खून नहीं दर्दी से आता है, कीटो डाइट वाला खाना खाएगा ये? तुम कहाँ पिज्जा ब्रेड खा लोगे? राइट। अरे नहीं, मैं अब सब खाता हूँ। अब मैं पहले जैसा अंकित नहीं रहा। अब लॉकडाउन ने हर मुझे तो बदल दिया। और एक सवाल है, व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट और मेमोरेबल इंसिडेंट, फेवरेट या फिर मेमोरेबल इंसिडेंट ऑन द सेट ऑफ अनिल रैना? ऑन द सेट ऑफ अलग मोस्ट यार हर दिन फेवरेट, होता है। हमारा तो हर दिन एक्चुअली होता टू है। बी वेरी ऑनेस्ट, हर दिन हम लोग इतनी हंसी मजाक करते हैं, यू हैव नो आइडिया। सोनाली, हम दोनों अभी बहुत मुंह चुप करके बैठे हैं, नहीं तो अगर हम दोनों भी धमाल क्रिएट कर देते हैं सेट पे, सब हंसते ही रहते हैं। एक्चुअली सेट पे माहौल बहुत अच्छा है, जितने भी हमारे दूसरी टीम है, प्रोडक्शन की टीम है, हमारे हेयर मेकअप की टीम है, दे ऑल आर सो कॉर्डियल एंड नाइस। तो पता नहीं है, दिन ऐसे निकल जाते हैं सेट पे, पता ही नहीं चलता है कहाँ टाइम निकल जाता है। बट आई थिंक अगर मेरा मोस्ट फेवरेट मोमेंट, ऐसा कोई मोस्ट फेवरेट नहीं है, बट या आई थिंक मुझे और अंकित को अब्दुल्ला और सफीना की स्टोरी करने में बहुत मजा आई थी, सो मे बी दैट इज आवर फेवरेट स्टोरी वेर वी रियली एंजॉयड प्लेइंग आवर कैरेक्टर। एंड व्हाट एल्स यू आस्क्ड, मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट एंड मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट मेमोरेबल इंसिडेंट, एनी पर्टिकुलर मोस्ट मेमोरेबल मेमोरेबल, इंसिडेंट? आई थिंक द सेम स्टोरी आई वुड से। ऐसा कोई इंसिडेंट पर्टिकुलर नहीं है कि जो मैं बता दूं, बट या द स्टोरी वाज रियली नाइस, जहाँ पे मुझे और अंकित को दोनों को ही बहुत मजा आया था। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेमोरी फॉर बोथ ऑफ अस। करेक्ट। ओके गाइस, कोई टू डू लिस्ट है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये करना है शूटिंग के अलावा? टू डू लिस्ट ऐसी तो मेरी अभी लॉकडाउन में बनी हुई, पहले से बनी हुई थी, जो मैं लॉकडाउन में कर रही हूँ टू डू लिस्ट। सो लॉकडाउन के बाद आई थिंक मैं आई वुड रियली वांट टू स्ट्रेट अवे रश टू शूट। एंड व्हाट अबाउट यू अंकित? सी, मैं तो 12 महीने लॉकडाउन में ही रहता हूँ। मेरे कुछ ऐसी इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं हैं नहीं, ना मेरे कुछ ज्यादा मैं बहुत ही ना कुछ मैं बहुत बाहर जाना वाला नहीं हूँ, बहुत घर में रहने वाला, अपना काम बस यही करता रहता हूँ।
तो बहुत घर पे रह लिया, अब काम करूंगा। तो बस कुछ ऐसा मेरे कुछ नहीं है कि कुछ महत्वाकांक्षाएं हो, बस अब खुल जाए और लोग काम पर आए। बहुत जरूरी हो चुका है अभी सबके लिए काम पे आना, क्योंकि जैसा बोला जान है जहान है, सब बहुत जरूरी है। बहुत घर पे बैठ लिए, अब ऐसा ना हो कि एक्टिंग भूल जाए। राइट 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 ओके गाइस, ऑन दैट नोट क्या कहना चाहेंगे फैंस को? मिस कर रहे हैं आपको वैसे, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? तो ऑफ कोर्स वो हमें मिस कर रहे हैं और हम उन्हें मिस कर रहे हैं। हम बहुत जल्द लौटेंगे दंगल चैनल पर, और मुझे बहुत सारे एक्चुअली मैसेजेस आते रहते हैं कि मैम अलिफ लैला कब आएगा, अलिफ लैला कब आएगा, वी मिस वाचिंग अलिफ लैला, कब से दोबारा शूटिंग आपकी शुरू होगी। तो हम सब भी वेट कर कर बैठे हैं, बस अभी कुछ हालात बाहर ऐसे हैं कि हम जा नहीं सकते, हम कर नहीं सकते, बिकॉज वो चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करने हैं। एक बार जब सारी चीजें थोड़ी काम डाउन हो जाएगी, थोड़ा ये जो पैंडेमिक है ये थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा, उसके बाद प्रॉब्ली हम शूटिंग शुरू कर पाएंगे, बिकॉज शूटिंग पे नई नई करके भी 50 to 100 लोगों की यूनिट होती है इन जनरल। इतनी भीड़ एक साथ इकट्ठी करना अभी मुश्किल है सभी के लिए। हम भी वेट कर रहे हैं कि आई होप कि चीजें बाहर थोड़ी ठीक हो जाए और ये वायरस जो है थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, या तब तक इसकी वैक्सीन निकल जाए, तो मे बी हम सब थोड़ा केयर फ्री हो जाएंगे अगर वैक्सीन आ गई, तो जिसकी वजह से हम आराम से शूटिंग कर पाएंगे, सब अपने अपने काम पे लग पाएंगे। हम भी वेट कर रहे हैं। थैंक यू, कीप लविंग अस एंड कीप वॉचिंग अस। आप सबने बहुत सारा प्यार दिया है हमेशा, अलिफ लैला को इतना प्यार दिया है, मुझे और अंकित को इतना प्यार दिया है, तो हम जल्दी लौटेंगे और जैसे ही हमारा शो का शूटिंग शुरू होगा आप सबको पता भी चल जाएगा कि हम शूटिंग पे जा रहे हैं। आई थिंक वो सबसे बेस्ट डे होगा जिंदगी का जब हम शूटिंग पे जाएंगे। राइट ओके अंकित, यू वो वांट टू ऐड फीलिंग कैसी समथिंग? होगी? ऐसा लग रहा है कि हम जब सेट पे पहुंचेंगे तो हमें याद भी होगा कि अच्छा ये हमारा सेट था। कैसी हाँ सही। मैं बस यही कहना होगी चाहूंगा उनकी? कि जितना प्यार अभी तक, जैसा शाइनी ने बोला कि मुझे और शाइनी को सबने, ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है, वो हमें मिस कर रहे हैं, हम भी उन उतना ही मिस कर रहे हैं। और जो टाइम चल रहा है वो बहुत ही इस वक्त नाजुक टाइम है, खासकर हम जो महाराष्ट्र में लोग हैं, गुजरात में हैं, तो थोड़ा सा इतना हमने रखा है धैर्य, थोड़ा सा और रखते हैं। और बस कठिन टाइम है, जल्दी निकल जाएगा। और आई थिंक हमारी शूटिंग जैसे स्टार्ट होगी, उसके बाद हमारे टेलीकास्ट भी शुरू होगा, और आई थिंक जो हमारी इसके बाद एक स्टोरी आने वाली है वो बेहद ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी कहानी है, और सब उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते भी हैं, तो एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलेगी बहुत ही जल्द। और हम उम्मीद करते हैं कि जितना जल्दी हो सके शूटिंग स्टार्ट हो जाए, और तब तक लोग अपना ख्याल रखें और अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें, और खूब सारा प्यार देते रहे हम हमें। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू, यू, बाय अंकित, बाय 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 सोनाली, थैंक बाय यू। बाय, थैंक यू।